तैयारियां हो रही हैं। What's up guys? This is Asif Jafri and you. हम कर रहे हैं फ्लाई विद सिंह, वेस्टर्न एयरपोर्ट काउंटी डबलिन से हम जा रहे हैं अबेशुल काउंटी लॉन्गफोर्ड। अगर ये सफर आप बाय रोड करें तो तकरीबन 100 किलोमीटर और 1 घंटा 30 मिनट का है, लेकिन अगर आप बाय एयर जाएं तो ये तकरीबन 30 से 35 मिनट का सफर है। मैं आज मौजूद हूँ डबलिन में, मैं हूँ इस टाइम वेस्टर्न एयरपोर्ट सेलब्रिज। तो उसके बाद मतलब जैसे प्रॉप है, प्रॉप ने चेक करना, तो ऑयल चेक करना, ये होता है थ्रॉटल। ये देखे जहाज अभी धक्का दे के निकाला जा रहा है, धक्के माते होते हैं, मैं भी थोड़ी सी हेल्प करूँगा। इसमें रिवर्स गियर नहीं है। अच्छा रिवर्स गियर नहीं है, अब तो बाजी रक्षा में भी रिवर्स गियर आ गया है, पता है आज। हाँ आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ जहाज, बैठ गए जहाज के अंदर, 4 सीटर है, 2 पायलट आगे बैठेंगे, फ्यूल कंट्रोल है, लैंडिंग और टेक ऑफ पे हम बात नहीं करेंगे। ठीक है भाइयों, रेडी हो गए, जहाज चलने वाला है। जी हाँ, इस सफर में मेरे साथ हैं लवदीप, शील पाजी, 2 लीमू 2 मिर्चे और सिकंदर पाजी। अभी एयर कंट्रोल जो है वो रुके हुए जहाज मेन रनवे पे अभी जाएंगे, तो उसका इंतजार कर रहे हैं क्यू में। एक ही जहाज हमारे आगे क्यू में। कितना खूबसूरत हेलीकॉप्टर है, लेकिन इसके नीचे देखें हे जो रखी हुई है, कैसे आइलैंड में गैर जरूरी घास को एग्रीकल्चरल यूज में लिया जाता है। वाह क्या जहन है भाई। ये जहाज अभी रनवे पे टैक्सी करना शुरू हुआ था तो मेरे पेट में जोर जोर से गुदगुदियां मचना शुरू हो गई। जाहिर है ये एक ट्रेनिंग जहाज है, सेस्ना 172। अंदर से बिल्कुल ऐसा लगता है कि एक बहुत ही छोटी सी कार अभी उड़ने वाली है। आपको आवाज मेरी कम आ रही होगी, जाहिर है छोटा जहाज है तो इसमें ज्यादा फील करते हैं, हल्की सी टर्बुलेंस या फिर लेकिन ये कि आपको थोड़ी सी हिम्मत चाहिए, लेकिन ज़बरदस्त है, आप इंजॉय करें। मैं पहली दफ़ा इतने छोटे जहाज पे बैठा हूँ, प्राइवेट प्लेन में बैठा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। जो जो फ्लाई करना चाहते हैं, जो जो ज़िंदगी में बच्चे जो यंगस्टर हैं पायलट बनना चाहते हैं, तो आप सिकंदर पाजी के ब्लॉग्स आ रहे हैं वो आपको ट्रेन कर देंगे। यकीन कीजिए आप अगर आप पायलट बनना चाहते हैं तो आपको बेसिक्स कम से कम आपको पता चल जाएगी, तो आप ज़रूर इनके ब्लॉग देखिएगा। रोड को फॉलो करेंगे, क्लियर है, रोड को फॉलो करेंगे। हाँ ये रोड हमको निकाल ले जाएगा। ओके हाँ, ये जब आप हवा में होते हैं तो आप आइदर रोड फॉलो करते हो और आप लैंडस्केप फॉलो करते हो, कोई चिमनी है या कोई ऐसा पॉइंट है उसको फॉलो करके हवा में आपको मिला भाई। अभी क्या आ रहा है, मुलिंगा आ रहा है? हाँ जी मुलिंगा आ रहा है, हमको इससे आगे जाना है, छोटा से छोटे से गांव में और प्रिंट में जाना है जहाँ पर ट्रेन लैंड करेगी। 35 मिनट की फ्लाइट है डबलिन टू मुलिंगा, तो वहाँ पे जा रहे हैं और देखें आप कितना खूबसूरत लग रहा है ऊपर से। आप चेक करें, आइलैंड ब्यूटीफुल प्लेस। सच बात तो ये है कि मुझे लग रहा था डर, और लवदीप बहुत कॉन्फिडेंस से बैठा था। मैंने कहा क्यों ना पूछा जाए, लवदीप को भी डर लग रहा है नहीं लग रहा है। भाजी आप पहले बैठ चुके हैं इसमें? जी
ये दूसरा एक्सपीरियंस है, तीसरा एक्सपीरियंस है, तीसरी चौथी बार है, चौथी तो आपको जितना नहीं पता चल रहा है तो थोड़ा झूले झूलों में थोड़ा सा तो होता है ना आपका तो दिल होता है। वाह क्या खूबसूरत झील है। यह है लक एनल। लक एनल तकरीबन 6.5 किलोमीटर लंबी और 2 किलोमीटर चौड़ी झील है और ये काउंटी वेस्ट मीथ मलिंगार में वाक़ है। इस झील पे एक मशहूर कार्वेन पार्क भी है और इसके नज़दीक ये दूसरी झील लक ओवल जो कि नॉर्थ मलिंगार में N4 के करीब है। ये झील तकरीबन 6 किलोमीटर लंबी और 3 किलोमीटर चौड़ी है। डबलिन से मलिंगार जाते हुए लक एनल सीधे हाथ पे और लक ओवल उल्टे हाथ पे आती है। ये दोनों झीलें अपनी खूबसूरती की वजह से सैयाहों के लिए बहुत अहम है। जैसे लैंडिंग के लिए जहाज को टर्न किया, दिल ने एकदम से धक धक करना शुरू किया, लेकिन बहुत खूबसूरत नजारा था। ऊपर से हम नीचे आ रहे हैं आबेशरुल काउंटी लॉन्गफोर्ड और ये छोटा सा एक गांव है, इधर हम लैंड कर रहे हैं। आप देखें ये जहाज के फ्लैप्स कैसे खुले हैं। फ्लैप्स जो हैं, आपको पाजी ने पहले बताया था कि फ्लैप्स जो होते हैं वो एयर ब्रेक्स होते हैं। जी लैंड कर गए हम, जबरदस्त फ्लाई, बहुत स्मूथ, बहुत प्यारी फ्लाई, वाह मजा आ गया, वाह जी वाह। उतर गए भाई जहाज से, जबरदस्त लैंडिंग थी। शील पाजी चलाते हैं, अभी वापसी पे सिकंदर पाजी चलाएंगे। जबरदस्त इन्होंने लैंड किया, टेक ऑफ ऐसा किया पता ही चला, मलाई आपका टर्न है यार। सभी अभी स्टार्ट करेंगे या। और ये अभी शुरू है, ये यहाँ पे हमारे पहले हम यहाँ पार्क करते थे लेकिन अभी वहाँ मूव कर गए। ये एक छोटा सा गांव है और बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा रिलैक्स है, कोई यहाँ पे ना हल्ला गुल्ला नहीं है। या, या, आप मतलब अगर सीखना हो आप प्रैक्टिस जितनी मर्जी देर यहाँ कर सकते अच्छा। हैं। और अब जो है सिकंदर बाजी फ्लाई कर रहे हैं, चलो जरा देखते हैं। सिकंदर बाजी अब सर्किट्स करने जा रहे हैं। सर्किट्स कहते हैं आप एयरपोर्ट के इर्द गिर्द राउंड करते हैं, उसमें लैंड करते हैं, टेक ऑफ करते हैं, फिर लैंड करते हैं, टेक ऑफ करते हैं। चार्ज स्टार्ट हो गया, दुड़ी दुड़ी दुड़ी। छोटा सा एयरपोर्ट है और इधर भी एक छोटा सा प्यारा सा जहाज खड़ा हुआ है, ये देखें। क्या आ गए भाई, पानी करीब आ रहा है, कितनी खुशी चेहरे पे आ गई है। रवदीप भाई गए, पता नहीं पानी मिलेगा कि नहीं। हाँ बिल्कुल।
आज जहाज़ों का दिन है, छोटे जहाज, बड़े जहाज, यानी कि बहुत बड़े नहीं, प्राइवेट जेट जो होते हैं, छोटे जहाज हैं, खूबसूरत खूबसूरत यहाँ पे खड़े हैं। ऑन द गो विद जाफर, थैंक यू वेरी मच सिकंदर भाई, आप बहुत मेहनत इंसान है, आप प्लीज और बहुत क्रिएटिव इंसान है, थैंक यू वेरी मच। आप इनको देखें, ये अच्छे लड़के मेहनत कर रहे हैं, बहुत चांस खुशी दे रहे हो साथ में, चलो वीडियो चला गया साथ, तो वैसे ही फील लगता है। मूवी आई है डोंकी, आसिफ भाई आप डिस्क्रिप्शन में ना आपको लिंक सेंड कर देंगे, तो आप प्लीज देखें, और वो और हमारा पेज है इंस्टाग्राम एंड फेसबुक में बॉस प्रोडक्शंस डबलिन एंड यूट्यूब पे हमारा पेज है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ऐश करें। मुझे बिल्कुल इल्म नहीं था इन जहाजों के विंग्स यानी परों में इनका फ्यूल टैंक होता है और जहाज में केरोसिन ऑयल यानी मिट्टी का तेल डाला जाता है। ये है आज की व्लॉग जो हो रही है, अभी बस पानी का इंतजार कर रहे हैं, क्या कर लोग यहाँ पे एंजॉय तो कर रहे हैं इस वेदर को, लेकिन मैं बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि चक्कर आ रहे हैं सर को, आदत नहीं रही इतनी गर्मी की। अभी पाकिस्तान में थे तो 47, 46 तक चला जाता टेम्परेचर, यहाँ पे अभी 29 और 30 डिग्री थे अभी मेरे ख्याल में, अगेन मैंने चेक नहीं किया, लेकिन इट्स टू मच, बहुत ज़्यादा है यहाँ के लिहाज से, बहुत ज़्यादा है। चलो पानी यानी पीते हैं, कुछ पानी मिल गया था, टैप वाटर मिला है, लेकिन कोई मसला नहीं है, टैप वाटर भी चलेगा भाई, दौड़ेगा इस टाइम तो, कुछ भी मिल जाए। ये गांव है, बहुत बहुत छोटा था भाई जी, ये एयरपोर्ट है यहाँ का, आइए हम एयरपोर्ट में। पानी पीते हैं, हलक खुश्क हो गया है बात कर करके, बहुत ज्यादा गर्मी, अब थोड़ी सी बारिश हुई है तो हल्का सा मौसम बेहतर हो गया है। वापसी पे हम बहुत थक गए थे, सिकंदर पाजी फ्लाई कर रहे थे, शील पाजी इनके साथ बैठे थे, हम सब ने माइक और हेडफोन लगाए हुए थे और पायलट्स में आपस में बातें हो रही थी जो कि हम भी सुन सकते थे, और वो बातें कुछ इस तरह थी। सिकंदर पाजी, यार जहाज स्पीड नहीं पकड़ रहा। शील पाजी, टैंक फ्यूल से फुल हुआ हुआ है और हम चार बंदे हैं, जहाज ओवरलोडेड है। सिकंदर पाजी, यार जहाज स्टॉल कर रहा है, 60 नॉट से ऊपर जाने में बहुत मुश्किल हो रही है। ये सब बातें सुन के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरी और लवदीप की हालत क्या थी, बहुत डरे हुए थे। इन चंद सेकंड्स में मेरे जहन ने तो हजारों फिल्में बना डाली, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में सब कुछ ठीक था। शुक्र खुदा का, सिकंदर पाजी की बेहतरीन फ्लाई और लैंडिंग के बाद हम साथ खैरियत से वेस्टर्न एयरपोर्ट पहुंच गए। जबरदस्त लैंडिंग की है, जबरदस्त मजे से मजा आ गया, पहुंच गए वापस वेस्टर्न एयरपोर्ट और लैंड हो चुके हैं यहाँ पे, जबरदस्त मजा आ गया, बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है ना भाई, बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस, जो एयर कंट्रोल ट्रैफिक की आवाज आती है आपको, इधर ले लो ये कर लो, मतलब इज समथिंग न्यू इज ना, बहुत डिफरेंट जबरदस्त, बहुत प्यारा एक्सपीरियंस है। आप सबको प्राइवेट जेट का एक्सपीरियंस करना चाहिए, ये मेरा ज़ाती तजर्बा है, थोड़ा सा बैठ के डर लगता है थोड़ा सा, लेकिन ये कि कोई मसला नहीं है, अच्छा लगता है, ज़बरदस्त है, एक्सपीरियंस होना चाहिए लाइफ के अंदर, थ्रिल एडवेंचर यही होते हैं, ज़बरदस्त। चले जरा एयरपोर्ट को उतरते हैं भाजी, बहुत मज़ा आया इसमें तो, ये तो बहुत जबरदस्त जिंदगी का मेरा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है, और करेंगे